हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज के इस वीडियो में बनाने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आप दो मोबाइल या दो ब्लूटूथ कार्ड का ऑडियो इन देकर उससे सिंगल आउटपुट ले सकते हो और दोनों इनपुट को आप एक पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर देख एक लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तीन ऑडियो कनेक्टर। तो कुछ इस वगैरह से यहाँ पे हमने तीन ऑडियो कनेक्टर ले लिया है, तो आपको भी ये ले लेना है। और उसके बाद हमें चाहिए एक पोटेंशियोमीटर जो कि 100K का डुअल चैनल में है। तो यहाँ पे हमने इस पोटेंशियोमीटर को भी ले लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए एक बॉक्स। तो फिर इस बॉक्स का कीपर नंबर यहाँ पे 11 है, तो आप 11 नंबर का लोगे तो यहाँ पे सेम आपका बॉक्स मिल जाएगा। ये अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, जो आपके पास हो उसमें भी आप इसे बना सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लिया, तो चलिए इसमें हमें कनेक्टर लगाने हैं। तो इन तीनों कनेक्टर को पहले इस बॉक्स में फ्रेंड रख के देख लेते हैं किस हिसाब से हमें इसमें होल करना है। तो यहाँ पे हमने दो कनेक्टर को इस तरह से रख लिया, तो चलिए तीसरे को भी यहाँ पे रख लेते हैं। तो फिर हमें इन तीनों कनेक्टर को कुछ इस तरह से इन बॉक्स में हमें लगाना है। तो चलिए पहले फिर इन कनेक्टर को लगाने के लिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने कनेक्टर को यहाँ पे लगाए, तो इसके हिसाब से यहाँ पे होल करते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो सोल्डिंग आयरन को यहाँ पे हमने हीट करके रख लिया, तो चलिए फिर इसको यहाँ पे लगाते हैं जिससे कि यहाँ पे कट हो जाएगा। तो फाइनली फिर यहाँ पे काफी अच्छे से इसके लिए यहाँ पे होल कट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छे से यहाँ पे कनेक्टर भी यहाँ पे लग जाता है। तो चलिए दूसरे साइड में भी इसी तरह से सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे कनेक्टर को लगाने के लिए भी यहाँ पे होल कट कर लिया, तो यह भी कनेक्टर काफी अच्छे से यहाँ पे लग जा रहा है। उसके बाद चलिए तीसरे कनेक्टर को लगाने के लिए भी यहाँ पे होल कर लेते हैं इसी तरह से। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने तीनों कनेक्टर को लगाने के लिए अच्छे से होल कर लिया है तीनों साइड में, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड इन तीनों कनेक्टर को यहाँ पे लगा के स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों कनेक्टर को ले लिया है, तो चलिए एक एक करके इन तीनों को यहाँ पे नट लगा के अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने कनेक्टर को यहाँ पे फिट कर दिया। उसके बाद चलिए दूसरे को और तीसरे को यहाँ पे तीनों कनेक्टर को लगा लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने तीनों कनेक्टर को काफी अच्छे से इसमें लगा दिया है। तो चलिए फ्रेंड इनकी वॉशर और नट लगा के अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने तीनों कनेक्टर को अच्छे से यहाँ पे लगा दी, इन्हें नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्टर अच्छे से लग चुके हैं। उसके बाद इसमें हमें लगाने इस पोटेंशियोमीटर को, तो इस पोटेंशियोमीटर को पहले लगाने के लिए यहाँ पे होल कट करना होगा। तो चलिए पहले फिर इसे पोटेंशियोमीटर को बॉक्स के अंदर रखते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा के इसमें होल कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार हमने बॉक्स के अंदर इस पोटेंशियोमीटर को लगा दिया है, तो उसी हिसाब से फिर ऊपर से हम सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लेंगे इस पोटेंशियोमीटर को निकालने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसमें होल कर लिया इस पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए। तो चलिए इसे लगा के यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें नट लगा के इसे अच्छे से टाइट कर दिया है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे पोटेंशियोमीटर हमने इसमें नट लगा के अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड चलिए इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड इन तीन कनेक्टर को हमने लगाए थे, इनका जो माइनस पॉइंट है, इन तीनों का माइनस पॉइंट को फ्रेंड हमें एक साथ पैरेलल कनेक्ट कर लेना है एक वायर से। तो चलिए फ्रेंड एक वायर से इन तीनों कनेक्टर के माइनस पॉइंट को पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने कनेक्टर के माइनस पॉइंट में एक ब्लैक वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। तो चलिए इसी वायर को दूसरे कनेक्टर के ब्लैक पॉइंट में उसे भी सोल्डिंग कर देते हैं ग्राउंड में। तो कुछ इस प्रकार हमने दूसरे कनेक्टर के भी माइनस वाले पॉइंट में इसे सोल्डिंग कर दिया है। उसी तरह फिर इसे तीसरे वाले कनेक्टर में भी हमें सोल्डिंग करना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने तीनों कनेक्टर के माइनस पॉइंट्स को आपस में ग्राउंड कर दिया एक वायर से। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे तीनों ग्राउंड हो चुके हैं। उसके बाद इसी से हमें ग्राउंड से एक वायर सोल्डिंग कर लेना, जो कि पोटेंशियोमीटर में सोल्डिंग करने के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने तीसरे वाले कनेक्टर के जो बीच वाला कनेक्टर है उसमें से हमने एक वायर सोल्डिंग कर लिया माइनस से, जो कि हम पोटेंशियोमीटर में सोल्डिंग कर देंगे जिसको। तो इस वायर को पोटेंशियोमीटर के एक पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं, जो कि इसका नीचे वाला चैनल है, इसके बीच वाले पॉइंट में हमें इसे सोल्डिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड इस ब्लैक वाले वायर को इसको बीच वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं नीचे वाले चैनल के। तो कुछ इस प्रकार हमने इस वायर को यहाँ पे लगा लिया, सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने इस वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। तो यहाँ पे माइनस वायर सोल्डिंग हो चुकी है इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में। और उसके बाद फ्रेंड इन तीनों कनेक्टर के प्लस पॉइंट से हमें एक एक वायर सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन वायर को ले लिया, तो चलिए फ्रेंड इसी को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं तीनों कनेक्टर के प्लस प्लस पॉइंट में। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर में सोल्डिंग कर लिया कुछ इस प्रकार से। तो चलिए फिर जहाँ तक पोटेंशियोमीटर है उसके हिसाब से यहाँ पे से वायर को कट कर लेंगे। तो एक वायर को हमने कट कर लिया सोल्डिंग करके, उसी हिसाब से फिर हम दूसरे कनेक्टर में यहाँ पे भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दूसरे कनेक्टर में भी हमने सोल्डिंग कर लिया, इसी तरह फिर तीसरे कनेक्टर में भी सोल्डिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने तीनों कनेक्टर में अच्छे से इन वायर को सोल्डिंग कर लिया इस कनेक्टर के प्लस पॉइंट से। तो यहाँ पे तीनों वायर अच्छे से सोल्डिंग हो चुके हैं। तो चले फ्रेंड्स, इसका जो बीच वाला कनेक्टर है जिसको हम आउटपुट कनेक्टर बनाएंगे, तो उसका एक वायर हमें ले लेना जो कि प्लस पॉइंट से कनेक्टेड है। इसको ऊपर वाले चैनल के बीच वाले पॉइंट में हमें सोल्डिंग करना है इस पोटेंशियोमीटर में। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसका प्लस पॉइंट को बीच वाले में सोल्डिंग कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है। तो इस पोटेंशियोमीटर के नीचे वाले चैनल के दो पॉइंट बचे हैं दोनों साइड के, और ऊपर वाले चैनल के भी दोनों साइड के दो दो पॉइंट बचे हुए हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर के फ्रेंड नीचे वाले चैनल से हमें लेफ्ट वाले पॉइंट से एक वायर सोल्डिंग करना है, और ऊपर वाले चैनल के राइट वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड ऊपर वाले चैनल के लेफ्ट वाले पॉइंट से हमें सोल्डिंग करके नीचे वाले चैनल के राइट वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो फ्रेंड इसी तरह हमें इसके कनेक्शन कर लेना है, जिससे कि फ्रेंड जिस चैनल की तरफ इस पोटेंशियोमीटर को हम घुमाएंगे उसी चैनल का ऑडियो आउटपुट करेगा और दूसरे साइड की ऑडियो को ये बंद कर देगा। तो चलिए फ्रेंड इसका कनेक्शन अच्छे से कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने इस पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आई होप कि आपको फ्रेंड इसके कनेक्शन समझ में आ चुके होंगे। तो फ्रेंड इन दोनों पोटेंशियोमीटर के प्लस पॉइंट यहाँ पे बचे हुए हैं जो कि इनपुट के लिए हैं। तो इनको इनपुट के कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में जो दो पॉइंट खाली इधर उधर के, तो इनमें हमें 1K का रेजिस्टेंस पहले कनेक्ट कर देना है, उसके बाद इन वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने 1K के रेजिस्टेंस को ले लिया। तो चलिए इसके एक्स्ट्रा लेग को यहाँ पे कट करके इनको सोल्डिंग कर देते हैं पोटेंशियोमीटर के लेफ्ट राइट पॉइंट में। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने एक को सोल्डिंग कर दिया, उसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों साइड अच्छे से इन दोनों रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड इस साइड के कनेक्टर के प्लस वायर को हमें लेना है, इस प्लस वायर को हम इस रेजिस्टेंस में सोल्डिंग कर देना है इस साइड वाले में। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसमें सोल्डिंग कर दिया इस वायर को, यहाँ पे देख सकते हो इस रेजिस्टेंस में। उसके बाद फ्रेंड इसके दूसरे साइड वाले कनेक्टर के प्लस वायर हमें लेना है, तो इसको सोल्डिंग कर देना दूसरे रेजिस्टेंस में। तो ऊपर साइड में भी यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस को सोल्डिंग करके रखा हुआ है, तो इन दोनों में हमने इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया इन दोनों कनेक्टर के प्लस वायर को। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे इसके सभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं पूरी तरह से। तो चलिए फ्रेंड अब इसे बंद कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने इसको बंद कर दिया। तो चलिए फ्रेंड इसकी अब नोप लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने नोप को ले लिया है, उससे पहले फ्रेंड इसमें एक छोटी प्लास्टिक होती है, इसे यहाँ पे लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने इस प्लास्टिक को यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है। तो चलिए फ्रेंड इस नोप को यहाँ पे लगा लेते हैं इस बटन को 0 पे करके। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने इस पोटेंशियोमीटर के इस नोब को भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है, अब इसे सिर्फ हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमने कपलिंग ली है जिसको हम एम्पलीफायर से कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने ऑडियो आउट वाले कनेक्टर में से इन कर दिया, और चलिए इसको एम्पलीफायर में हम इसको इन कर देते हैं। तो इस एम्पलीफायर को हमने ऑडियो इन दे दिया, तो फ्रेंड ये रहा साउंड जिससे आपको सॉन्ग सुनाई देगा। तो चलिए फ्रेंड अब इसमें आगे काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने दो और कपलिंग ले लिया जिससे हम इसमें ऑडियो इन देंगे दो मोबाइल से। तो चलिए फ्रेंड इन दोनों कपलिंग को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं दोनों कनेक्टर में दोनों साइड से। तो एक को हमने कर दिया, दूसरे को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों कपलिंग को हमने अच्छे से लगा दिया। तो चलिए फ्रेंड अब इसमें हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं, उसमें फिर हम सॉन्ग प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मोबाइल ले लिया, तो इसको इस साइड वाले में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसमें इन कर दिया है मोबाइल में। तो चलिए फ्रेंड इसमें हम सॉन्ग एक प्ले करेंगे। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने सॉन्ग यहाँ पे लगा दिया है, उसके बाद चलिए दूसरा मोबाइल भी यहाँ पे लगा लेते हैं। कुछ इस प्रकार हमने दूसरे मोबाइल में भी यहाँ पे इन कर दिया इस कपलिंग को। तो चलिए फ्रेंड इनमें लगा के सॉन्ग प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें सॉन्ग प्ले कर दिया इस वाले मोबाइल में, चलिए उसमें भी प्ले कर देते हैं सॉन्ग को, उसके बाद चेक कर लेते हैं। इस वाले मोबाइल का ऑडियो आउट कर रहा है, उसके बाद चले फिर इस साइड को मोड़ते हैं और देखते हैं कि इस मोबाइल का भी ऑडियो आउट करता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।